हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो विधायक केहर सिंह रावत और रणवीर सिंह गंगवा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने अभय चौटाला के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी उनको हटा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दो विधायकों के इस्तीफे के बाद इनेलो के कुल विधायकों की संख्या 15 रह गई थी, जो कांग्रेस पार्टी से कम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष का नाम मांगा जाएगा। वहीं जेजेपी को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी में शामिल होने वाले 4 विधायकों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, केहर सिंह रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया है। रणवीर गंगवा का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। 4 विधायकों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने कि जेजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ऐसे में अब स्थिति ये बनी है कि अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा होने के नाते अब विधानसभा स्पीकर का फैसला है कि अब कांग्रेस से मांगा जाएगा, कांग्रेस से जाना जाएगा कि वो नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन सा नाम आगे देना चाहते हैं। केहर सिंह रावत का इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। दो विधायक श्री रणवीर सिंह गंगवा और श्री केहर सिंह रावत, उन्होंने पार्टी ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन दोनों ने अपने इस्तीफे मेरे पास भिजवाए थे, जिनको आज मैंने स्वीकार कर लिया। और उनको स्वीकार करने के बाद जो इंडियन नेशनल लोकदल की संख्या है 19 थी, वो घटके आज 15 रह गई है। और इसके कारण मैंने, क्योंकि उनकी संख्या कम है और कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, इस सब को देखते हुए मैंने जो नेता प्रतिपक्ष थे अभय सिंह चौटाला जी को उनके पद से आज मैंने हटा दिया है। और अब आने वाले टाइम में कांग्रेस अपनी तरफ से जो भी नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए देगा तो हम उसको नियुक्त करेंगे। देखिए, उसके लिए उन्होंने अपनी एक पिटीशन हमारे पास डाल दी है और आज मैंने उसको ब्रांच में भिजवा दिया है। जल्दी उस पर हम निर्णय लेंगे और उन विधायकों को, 4 विधायकों को बुलाएंगे और उनसे ये बात करेंगे क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और हम इंडियन नेशनल लोकदल को भी बुलाएंगे, जिन्होंने पिटीशन दायर की है उनको बुलाएंगे कि वो भी ये सिद्ध करेंगे क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अगर ये सिद्ध होता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो निश्चित तौर से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो एक सिंपल एप्लीकेशन थी जो उन्होंने लिख के दी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से एक पिटीशन डाली जाती है सारा, उस विधि के साथ उन्होंने दोबारा वो हमारे पास भिजवाई है।